धीरज, हाँ जी बोलिए। हाँ आप एक बात बताने की तकलीफ लोगे? क्यों, इसमें भी सोचना पड़ रहा है क्या आपको? सोचना ये पड़ रहा है कि तुम उसे परमिशन मांग रहे हो सीरियसली। बताना आपको है, मैं पूछूंगी आप बोलोगे नहीं, फिर इसलिए अच्छा पूछ रही हूँ। तुम्हारे डर के ना, मतलब तुम्हारे से ना डरते डरते ना मैं कोई भी काम कर जाऊँ, ये बात पता है आपको? अच्छा अच्छा, आप मुझसे डरते हो? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे पहली बार पता चल रहा है कि आप मुझसे डरते भी हो। अभी नई नई शादी हुई ना अपनी, तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। पता तो वो चल जाएगा। तो फिर तो जो मैंने पूछा था, आप उसको बताने की तकलीफ लोगे क्या? एक बात, क्यूट बड़े लग रहे हो आज तुम। मक्खन मत लगाओ। मक्खन क्यों लगाऊंगा मैं यहाँ तुम्हें? मक्खन जैसे तुम ऑलरेडी हो उसमें मैं और मक्खन लगाऊंगा, मतलब मेरा पैसा बर्बाद करूँ मैं ना? अच्छा, इसमें भी आप पैसा बर्बाद करते देखो हंसते भी कितने प्यारे हो ना हम। हैं। अब ये मत समझना कि नई नई शादी हुई इसलिए तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। आई थिंक मैं तो नहीं, तारीफ तुम्हारी लाइफ टाइम तक करूँगा। अच्छा नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नई नई शादी हुई इसलिए कर रहे हो आप। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम कुछ पूछने वाले थे, सॉरी मैंने बहुत जोक जोक मार के ना आई थिंक तुम्हारा मूड वूड सब खराब कर दिया है। नहीं, उससे तो मूड खराब नहीं हो, किसी और चीज से मूड खराब हो गया। अच्छा चलो मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी आज तो मेरे पास कोई काम है नहीं, तो से फालतू पंती पंती करते करते टाइम पास भी हो जाएगा और तुम्हारे कुछ बातें भी सुन लूँगा। बताओ क्या हो गया है? आप अभी कहाँ पे गए थे? मैं कहाँ पर गया था? शॉप पर ऑब्वियसली, तुमने कुछ लाने बोला था, मैगी लाने बोली थी, मैगी तो बनी नहीं, सिर्फ लाने की गाई थी। कब बन गई मैगी? अब भी बनाऊंगी बाद में। मैंने शॉप की नहीं बोला है, अभी आप थोड़ी देर पहले कहाँ पे गए थे? उसी की तो बात कर रहा हूँ ना। अच्छा हाँ वो शॉप से आने के बाद देखो शुरू दिन ना, तुम ये बात होगा ना बुरा मत लगाया करो। वो पड़ोसी वाली ना पहले से मेरे साथ बात करती है, तुम्हें पता नहीं है? शादी से, तुम अपनी शादी होने से पहले भी वो हंसी मजाक करती थी। अब क्या पता तुम्हें, शॉप से आया और थोड़ा बाहर मैंने बोला टहल लेता हूँ, तो क्या वो बात करने लग गई, उतने में तुमने देख लिया शायद। तो ऑब्वियसली तुम्हें बुरा लगेगा ही, बट वो हंसी मजाक पहले से ही करती मेरे साथ में। मैंने तो ये पूछा नहीं था। अच्छा, तुमने देखा है ना, और तुम इसी चीज की बात कर रहे हो। आई थिंक क्या नहीं, मैंने देखा भी नहीं है कुछ, आपने खुद ही बोल दिया अपने मुंह से। रहने दो, झूठी बातें मत करो ठीक है? इसमें क्या झूठी बातें कर रहे हो मैं? तुम सामने खड़े थे और तुमने सब कुछ देखा है। तो मैं उसकी भी बात नहीं कर रही थी। अब इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या ही बात कर रहे हो यार आप? आप अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम गए थे। तो हाँ तो आप करने क्या गए थे? ऐसे ना आगे सवाल मत किया करो ठीक है, चुप रहो। इसमें मैं क्या ज्यादा सवाल कर रही हूँ? अगली सवाल कर रहे हो, वॉशरूम में इंसान तीन काम के लिए जाता है। दो से वही तो पूछ रहे हैं, तीन काम ऐसे कौन से काम के लिए कहते हैं आप? कितना बेशरम बन रहे मैं कहाँ बेशरम बन रही हूँ? हो? ऑब्वियसली नहाने तो गए नहीं होगा, क्योंकि नहाने तो मैं सुबह ही चल जाता हूँ। नहीं, मैंने सोचा कि रात में भी नहाने का आज मन हो गया हो आपका।
सुजू बने गया, मैं बाथरूम गया था यार। तुम क्या फालतू बातें करते हो मेरे साथ में? तो सुबह किए जाती है सीट ऐसे मतलब पे इधर उधर। श्रुति, हाँ तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा कंट्रोल नहीं है उस पर, मतलब हो जाता है इधर उधर। और क्या, अच्छा, तो आप पानी भी डाल सकते थे अच्छे से। तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने पानी डाला था, वो भी काफी सारा, ठीक है। अच्छा। यार इतना तो कभी मेरे मॉम ने नोटिस नहीं किया जितना तुम नोटिस कर रहे हो और जितना तुम मुझे डांट रहे हो। तो आप डांट हाँ, खाने वाले काम ही कर रहे हो। इसमें क्या डांट खाने वाली काम की, नॉर्मल चीज है यार, हो जाता है इधर उधर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ही यार, और उससे ज्यादा क्या। तो मॉम थोड़ी आपके वॉशरूम में जाती हैं, मॉम अपने वॉशरूम में जाती हैं। हाँ तो ऑब्वियसली, तो मुझे अभी तो कहने का मतलब ये तो मेरे वॉशरूम हुआ ना, तुम मेरे पास है तो मेरा घर है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना, आई एम राइट। आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब शादी हो गई है आपकी। तो हिस्सेदार तुम भी हो इसमें, ऐसा कहने का मतलब है आपका, आधे या पूरे? पूरी। अच्छा, और मैंने सुबह भी देखा आप नहा के आए। आपने जब भी वाइपर नहीं लगाया। वाइपर तो गाड़ी पे लगा, गाड़ी पर होता है ना, घर में वाइपर कब से आ गया आप? वॉशरूम में भी वाइपर लगता है। वॉशरूम में वाइपर, बट क्यों? आप जो नहाने के बाद जो नीचे फर्श पे पानी गिरा रहता है उसको वाइपर लगाना पड़ता है ना। ऐसे भी होता है क्या? क्यों आप इससे पहले क्या अगर लगाते ही नहीं थे, ऐसे छोड़ देते थे क्या? अरे मेरे घर में मैंने कुछ काम नहीं किया है तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैं, शादी के पहले ऐसे फालतू बंदी नहीं करता था। ये वाइफर यार, ऐसे काम वाइफर, तो ये फालतू बाकी बंदी थोड़ी होती है। यार वॉशरूम तो होता ही ना गंदा करने के लिए। अच्छा, वॉशरूम गंदा करने। और क्या हो, पहली बात तो तुम मेरे पास जब आए और तुमने पूछा कि तुम वॉशरूम में किस लिए गए थे, तो मैंने बोला यार इसकी गंदी सोच कब से चलने लगी ना, मजाक नहीं। मजाक थोड़ी कर रही हूँ मैं। तो मोहतरमा, आपका डांट मतलब डांटने का वक्त खत्म हो गया होगा, तो 1 मिनट मेरे पास आकर बैठेंगे क्या? मैं डांट रही थी क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी डांट भी इतनी प्यारी है ना कि मेरे को तो लगता है कि तुम ना मुझे हर रोज डांटो। अच्छा, और जिस दिन सही में डांटूंगी उस दिन। उसे दिन उसके लिए मेरे पास ना एक बढ़िया सा आइडिया है, क्या वो मैं बताऊंगा नहीं, करके दिखा सकता हूँ मैं। क्या करके दिखा सकते हो? चलो चिल्लाना स्टार्ट तो करो ना, तो मेरे ऊपर मैं बताता हूँ, नहीं, अभी मूड नहीं है चिल्लाने का। ठीक है? मैं समझ जाता हूँ कि तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, ठीक है। अब मैं उठ गया हूँ, ठीक है। अब तुम्हारे आंखों में मैं देख रहा हूँ जो देख ही रहा हूँ ना, राइट। अब मेरे हाथ, आपके हाथ। कमर पर आ गए तुम्हारे, देखा ना तुमने, दे रहा है दिखाई। अब पीछे पलट भी लिया है मैंने तुम्हें, वो भी दिखाई दे रहा है ना। दिखाई दे रहा है सब कुछ। अब तुम्हारे हेयर मैंने एक साइड किए हैं नेक पर के, वो भी दिखाई दे रहा है ना। अब इसे ना मुझे ना बहुत चूमने का दिल कर रहा है, मतलब इतनी ढेर सारी किसेस लेने का दिल कर रहा है ना, यार मैं अच्छा। बता नहीं सकता। वो मैं बिना परमिशन के ले लूं या परमिशन चाहिए?
परमिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हूँ ना। ओके नाउ आई लव यू आई लव यू टू।